वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आज हम लोग बना रहे हैं हविशा और मैं भी अभी बेड पर खड़े हैं हम, क्योंकि हविशा की दादू के रूम का इसी ना की जाली, ये देखो बड़ी गंदी हो गई है, तो उनको साफ कर रहे हैं हम। तो गाइस ये देखो, प्रिया ले आई है जाली को, बिल्कुल साफ कर दिया। ये लो आप पकड़ो, तो देखिए गाइस कैसे लगा रहे हैं हम। तो गाइस आपको अगर लगानी नहीं आती हो, देखो हम ऐसे कुछ लगाएंगे एंड उसको हविशा सिखा रही है आपको। अब ये जो एसी का है, अब हम इसको ऐसे कट कट कर। गर्मी कितनी हो रही है हविशा, बताओ। एसी चलाने का मन नहीं कर रहा सारा दिन। हां चला लूं पापा। क्या एसी क्या करेंगे, चला के? तो गाइस ये अभी एसी की हमने जाली फिट कर दी है, और हविशा देखो कैसे खुश है, कैसे खुश है हविशा, कहाँ जा रही है? और देखो, और आज का दिन कैसे रहा बताओ, आज का दिन कैसे रहा? अच्छा। तो गाइस मैं आज का दिन इनका अच्छा रहा। गाइस एक बात मैंने बोलनी थी, आप लोग भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए, और पूरे भारत को और भारत को कोविड फ्री कीजिए, क्योंकि मैंने अभी भी देखा है कि बहुत जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो मास्क लगाना बड़ा ज़रूरी है। देखो इसका एक घाटा यही है, आप सबको भी पता है कि अगर जहाँ जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, मास्क लोग नीचे करते हैं, तो वो मार्केटें गवर्नमेंट बंद करवा रही है कुछ टाइम के लिए, तो लोगों की जितने भी शॉपकीपर्स हैं या बिजनेसमैन, उन सबकी जिम्मेवारी यही बनती है कि अगर कोई बंदा मास्क ना लगाए तो उनको सामान ना दे। तो गाइस मैं भी एक बात बोल रही हूँ, ये जो मास्क उतारते हैं लोग, जो बिना मास्क के घूमते हैं, उनकी वजह से ही कोरोना फैलता है। हाँ, बाहर खेलने नहीं जा पाती। हाँ, तो गाइस उसी की वजह से हमारे बच्चे बाहर नहीं जा पाते। अगर लोग मास्क वगैरह पहने और जरूरी मास्क है जरूरी। हाँ देखो, तो गाइस एक बात बोलूं आज, तो गाइस जल्द से जल्द आप सब लोग, गाइस मैं भी मम्मा के साथ डॉक्टर सेट करूंगी। ओके, तो आप तो गाइस मैं सबको अपील करता हूँ, जल्द से जल्द लोग वैक्सीन लगवाएं और भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। तब तक के लिए बाय।